लगातार हो रही वर्षा की वजह से जलाशयों का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। ऐसे में इन जलाशयों पर सुरक्षा के नाम पर किसी भी तरह के कोई इंतजाम नहीं है। इस वजह से यहां पर मछुआरे अपनी जान खतरे में डालकर मछली पकड़ने पहुंच रहे हैं। ऐसा ही एक मामला गुरुवार को कलियासोत डैम के पास बाघ भ्रमण क्षेत्र का सामने आया है। कलियासोत डैम का जलस्तर बढ़ने से गेट खोले गए थे। यहां मछली पकड़ने आया एक मछुआरा पानी का प्रवाह बढ़ने पर एक टापू पर फंस कर रह गया। वहां मौजूद लोगों ने इसका वीडियो बनाकर इंटरनेट मीडिया पर वायरल कर दिया। घटना की भनक लगने पर कोलार फायर स्टेशन से टीम मौके पर पहुंची और डेढ़ घंटे की मशक्कत के बाद गोताखोरों ने उसे बचा लिया। इस दौरान डैम के आसपास मछली पकड़ रहे लोग टीम को देखकर अपने जाल छोड़कर फरार हो गए थे। फायर ब्रिगेड की टीम ने जाल भी जब्त कर लिया और पकड़ी गई मछलियों को वापस डैम में छोड़ दिया है। फायर ब्रिगेड से मिली जानकारी के अनुसार इंटरनेट मीडिया पर गुरुवार सुबह 11 बजे एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें बीच पानी में बनी एक टापू पर व्यक्ति फंसा हुआ नजर आ रहा था। इस वीडियो की पड़ताल की गई और फिर टीम सहित कलियासोत डैम के पास पहुंचकर पानी में फंसे हुए व्यक्ति की तलाश की गई। पता चला कि वह जागरण सिटी के पास बाघ भ्रमण क्षेत्र में, जहाँ पर कलियासोत डैम का पानी जाता है, 13 शटर के नजदीक पानी के बीचों बीच टापू पर खड़ा हुआ था। उसे टीम ने रस्सी की मदद से रेस्क्यू कर सुरक्षित बाहर निकाल लिया है। उसने अपना नाम राम विनय बताया है। उसके पास से मछली पकड़ने का जाल भी बरामद किया गया। वह मछली पकड़ने यहां आया हुआ था, अचानक से जल स्तर बढ़ने से वह फंस गया था। कलियासोत डैम सहित सभी जलाशयों में प्रशासन ने मछली पकड़ने पर प्रतिबंध लगाया है। इसके बावजूद भी बड़ी संख्या में मछली पकड़ने मछुआरे भदभदा डैम, कलियासोत डैम सहित अन्य जलाशयों पर पहुंच रहे हैं। इसी बीच गुरुवार को अचानक जलस्तर बढ़ने से एक मछुआरा फंस गया था। जब फायर ब्रिगेड की टीम उसे बचाने पहुंची तो वहां मछली पकड़ रहे अन्य मछुआरे अपने जाल छोड़कर फरार हो गए थे।